हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माही टेक्निकल क्लासेस। मैं मुस्कान, मैम आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के एनालॉग सब्जेक्ट को पढ़ाऊंगी। क्योंकि आज हम लोगों का फर्स्ट डे है, तो आज हम लोग ये देखेंगे कि एनालॉग जो हम लोगों का सब्जेक्ट है उसमें टोटल कितने यूनिट्स हैं, और उन यूनिट्स का थोड़ा थोड़ा सा आज हम लोग इंट्रोडक्शन करेंगे कि उन यूनिट्स में आखिर है क्या, हम लोगों को क्या पढ़ना है, उसका यूज़ कहाँ पर है। तो आज हम लोग इसी चीज़ पर देखेंगे आगे कि हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है और एनालॉग जो है वो सब्जेक्ट कहाँ पर यूज़ होता है उसका। तो ये बताने से पहले कि मैं ये बताना चाहूँगी कि एनालॉग जो सब्जेक्ट होता है इससे बहुत सारे बच्चे जो है वो डर जाते हैं एनालॉग सब्जेक्ट से, और वो घबरा जाते हैं। और इसका घबराने का रीज़न ये है कि आप लोग एनालॉग जो सब्जेक्ट है उसे रट लेते हैं। मैं ये बोलना चाहूँगी कि एनालॉग रटने वाला सब्जेक्ट बिल्कुल भी नहीं है, और आप लोग एनालॉग को बिल्कुल नहीं रटेंगे, क्योंकि हम लोग यहाँ पर जो है जितने भी माही टेक्निकल क्लास के टीचर्स हैं, वो चाहे एनालॉग हो, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, वो सी हो, चाहे मैथमेटिक्स हो, ड्राइंग ड्राफ्टिंग हो, या मेजरमेंट हो, किसी में हम लोग रटने के लिए बिल्कुल नहीं बोलेंगे। जितने भी हम लोग सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, आप लोग को टोटल को समझना पड़ेगा। हम लोग अपना 100% इस चीज़ में देंगे कि हम लोग आप लोगों को जितने भी स्टूडेंट हैं सबको अच्छे से समझा पाएँ उस सब्जेक्ट के बारे में कि वो क्या होता है। और फिर अगर इसमें समझने में आप लोगों को कोई भी डाउट हो, तो हम लोग एक वीक में एक दिन डाउट क्लास का निकालेंगे, तो उसमें सिर्फ डाउट बताया जाएगा आप लोग के द्वारा, हम लोग द्वारा अब बताया जाएगा कि उस डाउट का सॉल्यूशन क्या है, उसे भी समझाने की हम लोग पूरा कोशिश करेंगे। तो ये बात है कि एनालॉग से उन्हीं बच्चों को डर लगेगा जो कि एनालॉग को रटेंगे, उनका कॉन्फिडेंस लेवल क्या हो जाता है कि बहुत लो हो जाता है एग्ज़ाम आते आते। रटने पर आप लोग कितना रट पाएंगे, रटने पर जो हम लोग बहुत ज़्यादा भूल भी जाते हैं और बहुत सारे माइंड में सेट नहीं हो पाता, तो रटना बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, एनालॉग चैप्टर हम लोग यहाँ पर ऐसा टारगेट लेकर चल रहे हैं कि आप लोगों को ना सिर्फ थर्ड सेम के जो एग्ज़ाम होंगे उसे पास करना है, उसमें अच्छा स्कोप लाना है। हम लोग ये लेके चल रहे हैं कि आप लोग को आगे जितने भी आप लोगों का सेमेस्टर आएगा, चाहे फोर्थ सेम हो, फिफ्थ सेम हो, सिक्स सेम हो, उन सब में भी आप लोग अच्छा स्कोप ला पाएँ। क्योंकि अभी आप लोग थर्ड सेम में अभी आप लोग गए ही हैं, तो हम लोगों का क्या हो चुका है कि हम लोगों का ब्रांच पेपर स्टार्ट हो चुका है। ब्रांच पेपर ऐसे जो फर्स्ट और सेकेंड सेम था, तो उसमें क्या था कि सब जितने भी ब्रांच के बच्चे थे सबका कॉमन ही पेपर था, चाहे वो सिविल के हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, एग्रीकल्चर हो, इलेक्ट्रिकल हो, कोई भी हो, तो सबका क्या था, सबका सेम ब्रांच पेपर था, वही मैथ्स था, फिजिक्स केमिस्ट्री सबका वही था। और ट्वेल्थ वाले के लिए जो ट्वेल्थ करके आए हैं डिप्लोमा में, उनके लिए तो और इजी था, वो लोग जो ट्वेल्थ में पढ़े बस वही सिलेबस यहाँ पर भी फर्स्ट और सेकंड सेम में था। बट थर्ड सेम से क्या हो जाता है कि आप लोगों का सबका अलग अलग ब्रांच पेपर के अकॉर्डिंग आप लोगों का सिलेबस रहता है और सबको अलग पढ़ना पड़ता है। जैसे कि सिविल वाले उनका अलग हो जाएगा, उनका जो ब्रांच पेपर है वो अपना अलग पढ़ेंगे। हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स वाले, हम लोगों का अलग हो गया, हम लोगों का ब्रांच पेपर है एक एनालॉग है, एक मेजरमेंट है। तो हम लोग ये सोच के पढ़ेंगे कि अब हम लोगों का स्टार्टिंग है ये ब्रांच पेपर का। अब हम लोग को ये नहीं कि सिर्फ थर्ड सेम हम लोगों को ब्रांच पेपर पढ़ना है, फिर सेमेस्टर से अलग हो जाएगा। आप लोग ये सोच के चलिए, ये है ही कि अभी जो आप लोगों का ब्रांच पेपर स्टार्ट हुआ है, तो अभी से लेकर सिक्स सेम तक आप लोगों को यही ब्रांच पेपर फेस करना पड़ेगा। तो हम लोग ब्रांच पेपर पे बहुत अच्छा सा अपना पकड़ बना के चलेंगे, ताकि आगे के भी सेमेस्टर में हम लोग उसमें अच्छा स्कोप कर पाएँ, उसे अच्छे से रिकवर कर पाएँ। अभी थर्ड सेम है, अभी तो सबसे स्टार्टिंग है, बिल्कुल बेसिक है, बेसिक कह सकते हैं इसे। हम लोग जैसे कि कुछ भी बिल्डिंग वगैरह देखते हैं, तो हम लोग उसमें क्या देखते हैं कि जो उसका ग्राउंड फ्लोर होता है उसे काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाया जाता है। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि उसी ग्राउंड फ्लोर पर अप के जितने भी अप लेवल के फ्लोर होते हैं वो टिका रहता है, तो उस ग्राउंड फ्लोर को क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बनाते हैं। बस उसी तरह थर्ड सेम में समझिए आप लोगों का ये बिल्कुल ग्राउंड फ्लोर के जैसा है। आप लोगों को अभी से ही जो आप लोगों का ब्रांच पेपर है, वैसे तो सारे पेपर को मजबूत करने हैं, बट जो ब्रांच पेपर उन्हें बहुत ज़्यादा फोकस करके उसे मजबूत करना होगा, क्योंकि अभी से आप लोगों का स्टार्ट हो चुका है ब्रांच पेपर, और इस पर आप लोगों को बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा। आगे भी आप लोगों का जो सेम होगा, फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेम जो भी होगा, उसमें भी ब्रांच पेपर है
है ही और यहाँ पर से स्टार्टिंग है, तो यहाँ पर अगर आपने अच्छा अपना बेस बना लिया तो आगे के सेम में भी आप लोगों को उतनी प्रॉब्लम नहीं होगी, आप लोग अच्छे से उसे फेस करेंगे, अच्छे से रिकवर कर पाएंगे हर चीज़ को समझ के, तो बिल्कुल करना है। और हम लोगों का माही टेक्निकल क्लास का ये मेन टारगेट है कि हम लोगों को सिर्फ ये आप लोगों को सोच के नहीं पढ़ाना कि आप लोग थर्ड सेम में आप लोगों को एग्ज़ाम आएगा, आप लोगों को एग्ज़ाम में अच्छा स्कोप करना, अच्छा नंबर लाना, ये हम लोगों का नहीं है। हम लोगों का मेन टारगेट ये है कि हम लोग आप लोगों को इस लेवल का पढ़ाएं कि आप लोग SSC JEE जितने भी कॉम्पिटिशन लेवल में ब्रांच पेपर से रिलेटिव जितने भी क्वेश्चन हो या फिर इंटरव्यूज़ वगैरह में जो भी आप लोग फेस करें तो उसमें भी आप लोगों अच्छे से कर पाएँ, अच्छे से उसे फेस कर पाएँ, आप लोगों को सब कुछ आता हो, आप लोगों को मतलब कंपटीशन के लिए अलग से ट्यूशन नहीं पढ़ना पड़े ब्रांच पेपर के लिए। अभी से ही हम लोग बहुत अच्छे से हर चीज़ को समझ कर पढ़ेंगे। लेकिन मैं ये बोलना चाहूँगी कि जो भी अभी स्टूडेंट्स हैं थर्ड सेम में, आप लोग के मन में कुछ टारगेट तो होगा ही, आप लोग ये सोच के तो नहीं पढ़ रहे होंगे कि हाँ हमें बस डिप्लोमा करना है, डिप्लोमा पास करना है, एक डिग्री लेनी है या फिर हम लोग बीटेक करना है, बीटेक की डिग्री लेनी है, तो कोई नहीं सोचेगा। सबके मन में एक टारगेट फिक्स होता है कि हाँ हमें आगे चल के इंटरव्यू को फेस करना है, हमें जॉब लेनी है, हमें अच्छे लेवल पर जाना है, हमें कॉम्पिटिशन को फेस करना है, ये तो सबके मन में होगा ही। और नहीं है तो अभी से आप लोग टारगेट बना लें, क्योंकि हम लोग तो बना चुके हैं कि आप लोगों को उस लेवल तक पढ़ाना है। और आप लोग घबराइए मत कि हम लोग डायरेक्ट हाई लेवल आप लोगों को स्टार्ट कर देंगे, और डायरेक्ट आप लोग हाई लेवल का पढ़ना स्टार्ट कीजिएगा तो बहुत से बच्चों को ऐसा लगेगा कि हमें तो बाउंस हो जाएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा। नहीं, हम लोग बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे, जीरो लेवल से हम लोगों को हाई लेवल पर जाना है, जीरो लेवल से, क्योंकि बहुत टाइप के बच्चे होते हैं, सब तो एक टाइप के होंगे नहीं, किन्हीं का माइंड बहुत शार्प रहता है तो किन्हीं को थोड़ा धीरे ही समझ में आता है, तो हम लोग जीरो लेवल से जाएंगे और बिल्कुल टॉप लेवल तक जाना है हम लोगों को। और हम लोगों को SSC JEE जितने भी एग्जाम से भी हम लोगों को अपना जो ब्रांच पेपर है उसे अच्छे से कवर करना है, क्योंकि जितने भी एग्जाम होते हैं, एग्जाम में जो क्वेश्चन पेपर होता है उसमें 50% जो क्वेश्चन रहते हैं वो आप लोगों का ब्रांच पेपर से ही रहते हैं। और आप लोग कहीं भी इंटरव्यू देने जाएंगे तो पता चलेगा आप लोग इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के, तो उसी ब्रांच पेपर से ही आप लोगों के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो हम लोग हर एक टर्म को जितने भी रहेगा सबको अच्छे से समझेंगे, और आप लोगों का ऑब्जेक्टिव सीरीज तो होगा ही, उसे भी आप लोग बहुत अच्छे से अगर किए तो आप लोगों को आगे चलकर उससे बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, एनालॉग हम लोगों का सब्जेक्ट है, तो हम लोग देखेंगे आज ये कि हम लोगों को कितने यूनिट्स पढ़ने हैं एनालॉग में, थर्ड सेम के कितने टोटल जितने बच्चे हैं उन लोगों को एनालॉग में कितना यूनिट पढ़ना है, और उस यूनिट का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन भी देखेंगे कि उसमें क्या है, उसका यूज कहाँ पर है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट तो एनालॉग है, आप लोग देख रहे हैं, तो फर्स्ट यूनिट है इसका आइडियल एम्पलीफायर, और सेकेंड है ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर्स, थर्ड है फीडबैक एम्पलीफायर्स एंड ऑसिलेटर्स, फोर है हाइब्रिड पैरामीटर्स एंड लास्ट फिफ्थ है पावर एम्पलीफायर्स। तो जितने भी आप लोग यूनिट्स देख रहे हैं सब में आप लोग देख रहे हैं कि इसमें एम्पलीफायर सब में है। तो हम लोग बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, तो हम लोग सबसे पहले ये जानें कि एम्पलीफायर होता क्या है, एम्पलीफायर आखिर कहाँ पर यूज़ होता है, हम लोगों ने उसे देखा है कि नहीं देखा है, मैं सब बताऊंगी। बिल्कुल एम्पलीफायर आप लोगों ने देखा है, भले आप लोग जान नहीं रहे अभी, बट पढ़ने के बाद सब कुछ जान जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं फर्स्ट चैप्टर, ये क्या है आइडियल एम्पलीफायर्स। इस चैप्टर में हम लोगों को इसी चैप्टर से स्टार्ट है, तो हम लोगों को इस चैप्टर में देखना है कि एम्पलीफायर होता क्या है, उसका कहाँ पर यूज़ है, उसका ब्लॉक डायग्राम है हम लोगों के बुक में, और फिर उसके बाद जो है देखेंगे कि वो कैसे सिग्नल को बढ़ाता है, फिर उस सिग्नल में डिस्टॉर्शन आते हैं, तो हम लोग इसी चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि डिस्टॉर्शन व्हाट इज़ डिस्टॉर्शन, डिस्टॉर्शन होता क्या है, वो किस टाइप का होता है, हमारे सिग्नल को वो कैसे कैसे डिस्टॉर्ट करता है। ये हो गया फर्स्ट चैप्टर। सेकेंड चैप्टर है हम लोगों का ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर्स। ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर्स में हम लोग पढ़ेंगे कैस्केडेड, मतलब कि जब एक एम्पलीफायर को मान लेते हैं ये एम्पलीफायर है, जस्ट अज्यूम ये एम्पलीफायर है, तो उसे जब दूसरे एम्पलीफायर तीसरे एम्पलीफायर से कनेक्ट करेंगे तब हम लोगों का जो आउटपुट में क्या आएगा ये हम लोग देखेंगे इसमें। और इसमें हम लोग देखेंगे लार्ज सिग्नल क्या होती है, स्मॉल सिग्नल क्या होती है, और इसमें एक ये है कि पावर एम्पलीफायर है,
पावर एम्पलीफायर हम लोग देख रहे हैं कि हमारे फिफ्थ चैप्टर में भी पावर एम्पलीफायर, तो इन दोनों में लगभग सेम ही है। हम लोग यहाँ पर भी पढ़ेंगे तब भी चलेगा और यहाँ पर पढ़ेंगे तब भी, इसमें तो फिर कम ही है, बट पावर एम्पलीफायर में उसे और डिटेल में बताया गया। तो पावर एम्पलीफायर कितने टाइप्स के होते हैं, उसके टाइप्स है इसमें। फिर हम लोगों को आ जाएगा थर्ड चैप्टर। थर्ड चैप्टर को मैंने रेड से बॉक्स बनाया है क्योंकि ये आप लोगों का बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है एग्जाम व्यू से भी, थर्ड सेम के एग्जाम व्यू से और कंपटीशन लेवल से भी ये आप लोगों का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसमें ऑसिलेटर्स आ जाते हैं जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसके टाइप्स हैं, ऑसिलेटर के कितने टाइप्स होते हैं और वांछा सेम क्रिटेरिया, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर फीडबैक एम्पलीफायर्स, फीडबैक एम्पलीफायर मतलब हम लोग जो एम्पलीफायर लगाते थे तो आउटपुट में जो हम लोगों को मिला, मान लेते हैं ये एम्पलीफायर है बस मान रहे हैं, जो आउटपुट में मिला उसे फिर से हम इनपुट में फीड कर रहे हैं, मतलब आउटपुट में तो हमें बढ़ावा सिग्नल मिलेगा ही, फिर उसे इनपुट के द्वारा हम लोग फीड कर रहे हैं, तो इसलिए इसका नाम फीडबैक एम्पलीफायर्स पड़ा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। और फर्स्ट में जो है टाइप्स ऑफ एम्पलीफायर उसका भी यूज इस थर्ड वाले में है, ठीक है। तो हम लोग फर्स्ट को भी अच्छे से पढ़ेंगे, सबको तो पढ़ना ही है। तो फीडबैक एम्पलीफायर को हम लोग देखेंगे और उसके हर जितने भी इनपुट आउटपुट को अच्छे से देखेंगे, क्योंकि अगर आप लोगों को पूछा जाएगा कुछ कंपटीशन लेवल से ऑब्जेक्टिव में, तो वो यही पूछा जाएगा कि इसके इनपुट में ये रखेंगे तो आउटपुट क्या होगा, आउटपुट में ये है तो इनपुट में क्या होगा, तो इसे हम लोग बहुत अच्छे से देखेंगे और ऑसिलेटर्स को भी। अब हम लोग बात करते हैं फोर्थ, मतलब हाइब्रिड पैरामीटर्स की। हाइब्रिड पैरामीटर्स जो है टू पोर्ट नेटवर्क का ही एक टाइप है। जब आप लोग नेक्स्ट सेम में फोर्थ सेम में जाएंगे तो आप लोगों को टू पोर्ट नेटवर्क को और अच्छे से पढ़ना होगा। बस सब जितने ब्रांच प्रोग्रामों को जो पढ़ रहे हैं बस समझिए कि नेक्स्ट में भी हम लोगों को यही पढ़ना है, बस थोड़ा हाई लेवल में, और ये तो बिल्कुल बेसिक स्टार्ट है। तो ये टू पोर्ट नेटवर्क का ही एक टाइप होता है, उस जब हम लोग फोर में पढ़ेंगे तो हम लोगों को और उसके टाइप मिलेंगे, वाई पैरामीटर्स, जेड पैरामीटर्स, तो हमें हम लोगों को क्या है एच पैरामीटर, इसे हाइब्रिड फुल नेम है हाइब्रिड पैरामीटर। तो इसे कैसे फाइंड करते हैं, आप लोगों ने फर्स्ट और सेकेंड सेम में मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट तो पढ़ा ही होगा, बस वही यहाँ पर यूज है कि जैसे एच वन वन H11, H12, H21, H22। अब आपको कुछ डिटरमिनेंट मैट्रिक्स याद आ रहा है, बस उसी से हम लोगों को H का वैल्यू फाइंड करना है। ये भी एग्जाम व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हाइब्रिड और इसमें काफी मार्क्स मतलब आते हैं, और फर्स्ट चैप्टर से लगभग 7 मार्क्स का आप लोगों के एग्जाम है, जो कि अभी थर्ड सेम के एग्जाम की मैं बात कर रही हूँ, तो कम से कम वो 7 मार्क्स के वो आते हैं। और ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर से 15 आते हैं 15 मार्क्स के। और थर्ड जो आप लोगों का फीडबैक एम्पलीफायर एंड ऑसिलेटर, ये आप लोगों का सबसे बड़ा यूनिट है, इससे आप लोगों को 18 देख रहे हैं मार्क्स भी ज़्यादा है, 18 मार्क्स के आप लोगों को फीडबैक एम्पलीफायर और ऑसिलेटर से एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन में। सब मिला के ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी जो है फॉर ए हाइब्रिड, हाइब्रिड से भी आप लोगों का लगभग 18, इससे भी ये भी काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, से इसे भी आप लोगों को 18 मार्क्स के जो है क्वेश्चन में पेपर में आप लोगों को आते हैं। और लास्ट पावर एम्पलीफायर, पावर एम्पलीफायर में आप लोगों को 12। तो एग्जाम में कभी कभी क्या होता है, थोड़ा बहुत एक दो नंबर दूसरे, जैसे कि मान लेते हैं इसमें 10 मार्क्स के आ गए, इसमें जो है 15 मार्क्स के भी आ जाते हैं, थोड़ा बहुत होता है, बट एक ओवरऑल जो है इतना ही इन सब यूनिट्स से मार्क्स के एग्जाम में जो क्वेश्चन वो आते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि पावर एम्पलीफायर, पावर एम्पलीफायर में हम लोग देखेंगे कि पावर एम्पलीफायर होता क्या है, फिर उसका क्लासिफिकेशन। मैं कुछ भी चैप्टर स्टार्ट करूँगी तो सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन होगा, इंट्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि आप लोग पूरा सब्जेक्ट पढ़ लेते हैं, आप लोगों को पता ही नहीं चलता व्हाट इज एम्पलीफायर, एम्पलीफायर होता क्या है, हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, डायरेक्ट उसका देखते कहीं कहीं कि क्लासिफिकेशन डायरेक्ट स्टार्ट कर देता है। वैसे क्लासिफिकेशन तो इंपॉर्टेंट है ही, बट हमें ये भी तो जानना है कि एम्पलीफायर होता क्या है, उसका यूज़ कहाँ पर है, तो सबका पहले इंट्रोडक्शन
कुछ भी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं उसका पहले अच्छा सा इंट्रोडक्शन बताऊंगी कि वहाँ पर इंट्रोडक्शन से हमें ये क्लियर होगा कि हम लोग वो होता क्या है, उसका यूज़ कहाँ पर, उसका मतलब क्या होता है। ठीक है, तो फिर अब हम लोग देखते हैं लास्ट क्या है हम लोगों का पावर एम्पलीफायर। पावर एम्पलीफायर में हम लोग पावर एम्पलीफायर क्या होता है ये देखेंगे, फिर हम लोग ये देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ पावर एम्पलीफायर्स। तो पावर एम्पलीफायर को मेनली फोर टाइप्स में डिवाइड किया गया है, क्लास ए एम्पलीफायर, क्लास ए, क्लास बी जिसे कि पुशपुल एम्पलीफायर भी कहते हैं, क्लास बी को सब ऑब्जेक्टिव व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लास सी एंड लास्ट क्लास ए बी एम्पलीफायर, पावर एम्पलीफायर। तो इसका ये बात है कि जब क्लास ए पावर एम्पलीफायर बना तो उसमें कुछ लिमिटेशंस वगैरह आ गए, तो उसी को मॉडिफाई करके क्लास बी बना, फिर बी में भी कुछ लिमिटेशन आ गए तो उसे मॉडिफाई करके सी बना, फिर उसे मॉडिफाई करके क्लास ए बी पावर एम्पलीफायर बना। जैसा कि आप लोग केमिस्ट्री में पढ़े होंगे कि आप लोगों ने पीरियोडिक टेबल पढ़ा है केमिस्ट्री में, तो हम लोग देखें कि पीरियोडिक टेबल जो सबसे स्टार्टिंग में बनाया था वो मेंडलीफ ने बनाया था। उसने कैसे दिया था उन्होंने कि मास मिनरल एटम के मास के अकॉर्डिंग, मास के अकॉर्डिंग उन्होंने पीरियोडिक टेबल में सारे एलिमेंट को अरेंज किया था, बट उनका जो पीरियोडिक टेबल था उसमें बहुत सारे लिमिटेशन आ गए, तो उसे हटा के फिर बहुत सारे साइंटिस्ट उसके बाद आते गए, उन्होंने अपना अपना पीरियोडिक टेबल दिया। बट लास्ट जो अभी हम लोग पीरियोडिक टेबल देख रहे हैं वो हेनरी मॉसले जी का है, उन्होंने क्या किया एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग, नंबर के अकॉर्डिंग उन्होंने पीरियोडिक टेबल को अरेंज किया। तो अभी उन्हीं का चल रहा है, बस यही कहानी इसमें भी पावर एम्पलीफायर में, क्लास ए में कुछ लिमिटेशन आए, फिर क्लास बी में आए, तो फाइनली जो है क्लास ए भी उन सब के कंपैरिजन में, सबके अलग अलग खूबी है, किसी की एफिशिएंसी ज़्यादा है तो किसी की बैंडविड्थ ज़्यादा अच्छी है, तो उसके अकॉर्डिंग पावर एम्पलीफायर को हम लोगों ने क्लासीफाई किया। तो हम लोगों का यूनिट इतना ही है, हम लोगों को यही पढ़ना है, बट वही मैंने कहा ही कि सब बेसिक है, थर्ड सेम आप लोगों का बिल्कुल बेसिक समझिए स्टार्ट हो रहा है, तो बेसिक को बहुत अच्छे से हम लोगों को मजबूत बना के चलना है ताकि हम लोग आगे भी हर चीज़ को अच्छे से कवर कर पाएँ। तो आज के लिए बस इतना ही, जितने भी हम मेरे टोटल जितने यूनिट्स थे उनके बारे में थोड़ा थोड़ा ये जानकारी है, बट हम लोगों का जब से क्लास स्टार्ट होगा तो सबको हम लोग डिटेल में अच्छे से पढ़ेंगे। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।